गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 9th का साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी का मतलब क्या कि मनुष्य का शरीर और हमारे आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये किस चीज़ से मिलके बनी है। जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, आप बोल दोगे, या मैंने जीन्स पहन रखी है तो आप बोल दोगे कि ये कॉटन है या सिल्क है या ये कोई भी मैटर है। जैसे पदार्थ की बात करी थी मैंने केमिस्ट्री में, तो वो प्लास्टिक का है या लोहे का है या रबड़ का है, ठीक है। ऐसी जो हमारी बॉडी है या जीव जंतु हैं, ठीक है, या पेड़ पौधे हैं, उनकी जो बॉडी है वो किस चीज़ से क्रिएट है, वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो हमारी जो बॉडी है वो एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, या हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है। अब ये सेल शब्द जो आया है, अब ये सेल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है, किस तरीके का होता है ये, इसका क्या आकार होता है, क्या मनुष्य के अंदर और पेड़ पौधों के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं या उनका आकार एक होता है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हम आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इनके बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेसन का जो नाम है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब जीवन की मौलिक इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब एक बहुत छोटा सा पार्ट। जैसे मैं बोलूं कि जैसे हम बोल देते हैं जीव विज्ञान के क्लास में नॉर्मली बोल देते हैं, फिजिक्स में अगर हम पढ़ते हैं कि समय का मात्रक क्या है, सबसे छोटा हम बोल देते हैं सेकंड। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो है वो जिस चीज़ से बनी हुई, हमारे स्किन है, हमारी मसल्स हैं या हमारी जो बोन्स हैं, ये किस चीज़ से बनी है, तो वो बनी हुई है बच्चों सेल से। तो हमारा जीवन जो है वो बहुत सारे वर्क करता है। जैसे मैं बोलूं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स चलते हैं, ठीक है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, इस टाइप से। तो उनके जो अंग हैं, जैसे मैं बोलूं लीवर है या फेफड़े हैं, ठीक है, या हार्ट है, तो वो किस चीज़ से मिलके बने हैं। वो बने तो मांसपेशियाँ से, लेकिन जो मांसपेशियाँ वो भी एक छोटी छोटी कोशिका से मिलके बनी भी होती हैं, ठीक है। वही चैप्टर है हमारे सामने जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है, इसमें मैंने बोला था कि जीवन की मौलिक इकाई, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो जीवन की मौलिक इकाई है वो है सेल। सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। तो आगे लिखा है कि जीवन की आधारभूत इकाई, मतलब जो बेस है, हम किस तरीके से हमारा जब जन्म होता है तो क्या हमारे जन्म के टाइम पे जो हमारा शरीर है, या एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि जो ऐसे जीव जंतु जो अंडा देते हैं, तो वो एक अंडा, छोटा सा अंडा भी, वो भी एक सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, किस तरीके से स्टार्ट हुई है, वो एक कोशिका से स्टार्ट हुई है। और कोशिका किस तरीके से जीवित रहती है, किस तरीके से हम उसको जीवित रखते हैं, वो भी इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो बात आ गई हमारी कि हमारी लाइफ का जो सबसे पहले जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो है कोशिका। तो ये कोशिका होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। और इसके बारे में अब मैं बोलूँ कि इसके बारे में हमने कैसे पता लगाया कि इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, या किस तरीके से हम इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो इसके लिए कोशिका की खोज किसने की, या किस तरीके से हमने इसके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की। तो कोशिका ये, इसको इंग्लिश में हम क्या बोला सेल। ये सेल जो शब्द है ये आपके ग्रीक भाषा के, सॉरी, ये आपके लैटिन भाषा के सेलुला, क्या मतलब सेलुला, CELLULA, सेलुला शब्द से बना है, और जिसका अर्थ है एक छोटी कोठरी। कोठरी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको बोलूं, यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ,
कुछ ही इस टाइप से, बहुत ही छोटे छोटे, इस चीज़ को हम कोठरी बोल सकते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे, एक ऐसी शेप जो इस तरीके से दिखाई दे, ठीक है। अभी बात करेंगे हम ये कि ये जो शेप्स है वो किस चीज़ के समान दिखती है, क्या इसकी संरचना आती है। तो दोबारा बताता हूँ कि कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल, ठीक है, और ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना है, जिसका मतलब है एक छोटी कोठरी, ठीक। अब हुआ क्या, अब बच्चों सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक, ये आपके वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने एक कॉर्क की सहायता से, अब ये जो वर्ड आया है कॉर्क, ये रहा, अभी कॉर्क की सहायता से सूक्ष्मदर्शी से हमने इस कॉर्क को देखा, और देखने के बाद हमें ये पता लगा कि इस कॉर्क के अंदर एक ऐसी शेप नज़र आई जैसे हम देखते हैं मधुमक्खी के छत्ते की जो संरचना होती है, किसकी संरचना, मधुमक्खी के छत्ते की। तो जब रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि जब उन्होंने एक कॉर्क को लिया और उसको सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा, तो उन्हें उसमें एक कैसी संरचना दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी टाइप से बना होता है, और उसमें इसी टाइप की कुछ ये कोठरियाँ बनी होती हैं, बहुत छोटे छोटे खाने बने होते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने इस चीज़ का क्या नाम दिया, इसका नाम उन्होंने कोशिका दिया, कि जो ये कोशिका है जो कॉर्क का अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने, उसको देखने के बाद उन्हें ये पता लगा कि इसके अंदर जो शेप है, इसकी जो संरचना मुझे उनको दिखाई दे रही थी, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी, जिसका नाम उन्होंने कोशिका रखा। अब बात ये आती है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें क्या जो अंग हैं, जैसे मैं बोलूँ कि लीवर है या लंग्स है, ठीक है, या हार्ट है, या हमारी किडनीज हैं, या हमारी बोन्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मिले तो मांसपेशियां मिलके से मिलके बने होते हैं, क्या ये सब एक ही कोशिका से मिलके होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिका से मिलके बने होते हैं। आप बच्चों बायोलॉजी में एक चीज़ पढ़ोगे, जो कोशिकाएं होती हैं और ये मनुष्य हैं या हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिका मतलब मल्टी सेलर, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, लेकिन हमारे इस ब्रह्मांड में मतलब इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो खाली यूनिसेलर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक कोशिक जीव। अब एक कोशिक जीव का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल दूं तो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना, ये ऐसे जीव हैं जो खाली एक ही कोशिका से मिलके बने होते हैं, और जो मनुष्य हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो मल्टीसेलर हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कंपटीशन में कि जो मनुष्य का शरीर है जो इतनी सारी मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, लेकिन वो कम से कम एक अनुमान लगाया जाए तो 1000 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक। और आगे आपको मैं भी ये भी बताऊंगा कि जो कोशिकाएं होती हैं, कि मनुष्य का जो अंडा होता है, अंडे का मतलब जो हमारा जो जन्म होता है, वैसे तो हमारा जन्म होता है एक बच्चे के रूप में, या एक बोल रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अंडे को जन्म देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन हमारा भी अंडा होता है जो मादा के गर्भाशय में बड़ा होता है, या वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि माँ के गर्भाशय में उसका जीवन प्रयत्न चलता रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये मैंने बताया था कि आपको कि कोशिका, जिसको हम बोलते हैं सेल, जो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एक छोटी कोठरी, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया था कि कॉर्क की सहायता से जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा कॉर्क को देखा, तो उन्हें ये पता लगा कि इनकी जो संरचना है वो क्या है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है, और जिसका नाम उन्होंने कोशिका दिया। अब बात आती है कोशिका कितने प्रकार की हैं, तो जो कोशिकाएं हैं बच्चों दो प्रकार की हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ये जो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, अब इसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये जीवाणु, ठीक है, नीलहरित शैवाल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखो ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है, इन सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या क्या चीज़ उपस्थित होती हैं, और ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार अलग है। तो मैं सबसे पहले बोलूँ, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो सरल संरचना की होती हैं। सरल संरचना का मतलब क्या होता है कि इस पे क्वेश्चन आता है कि जो प्राचीन काल में भौगोलिक उथल पुथल के कारण जो जीव विलुप्त हो गए थे, या जो जीव अपने जीवन को
वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाए थे, तो उनके अंदर कौन सी कोशिकाएँ पाई गई थी या पाई जाती थी, तो वो थी बच्चों आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये ऐसी कोशिकाएँ हैं जो सरल संरचना की बनी हुई थी और ये अपने आप को, और जिन जीवों के अंदर ही कोशिकाएँ पाई जाती हैं वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल एक एक्यूरेट टाइम से नहीं चेंज कर पाते। और दूसरी बात केंद्रक, इस केंद्रक ये जो शब्द आया ना, इसके बारे में अभी आगे भी आएगा आपके इस लेसन में कि केंद्रक क्या है। ये भले ही बहुत छोटा नाम है लेकिन इसके बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। केंद्रक जो है, ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जो केंद्रक जो है वो आपका डीएनए का बना होता है खाली। कौन से पदार्थ का बना होता है? डीएनए का, ठीक है। और इसके अंदर ये जो मैंने लिखे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, एक प्रकार से ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के पार्ट हैं। क्या है ये? इसके प्रोकैरियोटिक कोशिका के पार्ट हैं और जो कि इसके अंदर नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वो कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। खाली इनके अंदर क्या होता है, इनकी संरचना सरल और जो इनका केंद्रक होता है वो डीएनए का बना होता है खाली, ठीक है। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की। जो हमारी यूकेरियोटिक कोशिका है वो पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु मनुष्य भी आता है, और हमारे फंग्स मतलब कवक, ठीक है, ये जो होते हैं ये यूकेरियोटिक कोशिका से मिलके बने होते हैं। और इनके अंदर बोला जाए तो ये है, इनकी संरचना जटिल होती है, जटिल में हम भी आते हैं। अब देखो, जब हम जटिल संरचना में आते हैं और हमारी कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं और हमारा जो केंद्रक है, केंद्रक जो है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना है। कौन सा प्रोटीन? क्षारीय प्रोटीन से। डीएनए तो है ही लेकिन प्रोटीन से मिलके जो बना है, तो इसलिए जो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बेटर हैं, ठीक है। और जब बेटर हैं और हमारी संरचना भी जटिल है, तो इसलिए हम अपना जीवन जो है वो किसी परिस्थिति में उसको चलायमान रख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कोशिका के प्रकार भी मैंने बता दिया आपको, कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको एग्जांपल बताया था जीवाणु और नील हरित शैवाल, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके ग्रीन कलर के होते हैं ये। और यूकेरियोटिक कोशिका पेड़ पौधे, करेक्ट, जीव जंतु मनुष्य, पक्षी, पशु और आपके फंगस मतलब कवक, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में बच्चे क्वेश्चंस भी आता है इनमें डिफरेंस का। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका वो सरल संरचना की होती हैं, ठीक है, और इनमें जो केंद्रक होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? खाली वो डीएनए का बना होता है। और जबकि यूकेरियोटिक की मैं अगर बात करूँ तो जटिल संरचना और केंद्रक डीएनए तो है दोनों में सेम, लेकिन प्लस क्षारीय प्रोटीन सर होता है, ठीक है। अगर ये प्रोटीन अगर नहीं होगा तो हमारी जो कोशिकाएँ हैं वो मर जाएंगी, और जब हमारी कोशिकाएं मर जाएंगी तो हमारे शरीर की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है, और हमारी मृत्यु भी हो जाती है इसमें, ठीक है। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोशिका क्या होता है, ठीक है, कोशिका के प्रकार बताए थे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं इनके साइज के बारे में बताऊंगा कि कुछ ऐसे साइज हैं कोशिका के, सेल्स के, जो हमारे कंपटीशन में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, तो ये यहाँ पे है कि कोशिका की संरचना, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जैसे एक सर्किल है, ठीक है, या क्यूबॉइड है, या क्यूब है, या रेक्टेंगल है, इनका भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसी जो हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी मसल से मिलकर बनाता है, और मसल जो है बहुत छोटे छोटे सेल से मिलके बनी होती हैं, तो उनका भी एक स्ट्रक्चर होता है। और नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो गोल, ठीक है, एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है आपको ओबम का, ठीक है, इसको बोलते हैं अंडा, ठीक है, मनुष्य का। उसके बाद अंडाकार, ठीक, बेलनाकार, ठीक, और घनाकार, उसके बाद चपटी भी होती हैं, ठीक। ये इनके बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे इनके स्ट्रक्चर हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, तीन चीज़ें नोट में। तो ये तीनों ही चीज़ें ये तो आपके 10th स्टैंडर्ड में ही पूछ लेते हैं, और 12th स्टैंडर्ड में भी हम पूछ सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र लगभग 1 मीटर की इसकी लंबाई होती है, ये भी एक सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बता दे रहा हूँ 10th क्लास में आपको, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन लेसन है को और डी
नेशन लेसन है, वहाँ पे आपको ये मिलेगा सेकंड लेसन में, ये आपको मिलेगा सेकंड लेसन में, टेंथ में बायोलॉजी में। और दूसरा मैंने यहाँ लिखा है कि मनुष्य का जो अंडा होता है, अब यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे मनुष्य का अंडा कहाँ से होता है, मनुष्य अंडे को जन्म थोड़ी देता है, मनुष्य बच्चे को जन्म देता है, लेकिन जो हमारा मादा होती हैं उनके जो गर्भाशय में जो होता है वो बच्चों अंडा ही होता है, और उसका जो आकार होता है वो 0.1 मिलीमीटर का होता है, ठीक है ठीक है। और इसी से ही मादा अंडा और मनुष्य के में जो शुक्राणु होते हैं जो मैंने यहाँ बनाया है स्पर्म, इन दोनों के ही सहायता से ही हमारा जन्म होता है, ठीक है। वो प्रोसेस बहुत आगे का प्रोसेस है, अगर मैं बताऊँ तो वो 11th और 12th स्टैंडर्ड में है कि किस तरीके से हमारा जीवन होता है, किस तरीके से एक मादा के गर्भाशय में हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है या किस तरीके से अंडे का निषेचन होता है, वो बहुत आगे की चीज़ है, वो बाद में बताएंगे। नंबर 3, ये भी एक कंपटीशन क्वेश्चन में आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, या सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो जिस सेल से बना होता है वो किस पक्षी का होता है, तो उसमें ये 2 क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले शुतुरमुर्ग, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। और उसके बाद इसका जो अंडा होता है वो जो उसका सेल्स है वो उसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब स्ट्रक्चर की बात करिए तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। सबसे पहले स्पर्म बनाया है, ठीक है, ये नर में पाया जाता है, ठीक है, और ये ओवम, ठीक है, ये हमारे मनुष्य में मादा में पाया जाता है, और ये हमारे होंगे हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स का मतलब क्या है कि हमारी हृदय पेशियाँ, हिंदी में बोलूँ तो हृदय पेशी, ठीक है। और मैं आपके लिए 2 और बना देता हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं RBC। ये भी एक सेल्स होती हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं हमारी ये तो हमारी WBC, वाइट ब्लड सेल, इसको हम हिंदी बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में बताया था और कोशिका की खोज किसने की, ठीक है बच्चों। और उसके बाद मैंने बताया था कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और याद रखना कि जो हमारा जो शरीर है वो जटिल संरचना से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया, स्ट्रक्चर में आपके मेन क्वेश्चन से 3, इन क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। अब आगे का जो टॉपिक्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो थैंक यू सो मच, ठीक है, सी यू लेटर।